हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टडी करेंगे लिमिट्स क्या होती हैं। लिमिट्स तो लिमिट्स को मैं समझा देता हूं आपको। लिमिट क्या होती है देखिए बच्चों, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। लिमिट क्या होती है, तो लिमिट को समझाने के लिए मैं ऐसे बताता हूं आपको। 1/1 की वैल्यू क्या आएगी? 1। 2/2 की? 1। 5/5 की? 1। 10/10 की? 1। और 15/15 की? ये भी 1। ठीक है, अब 0/1 की क्या वैल्यू आएगी? 0। 0/2 की क्या वैल्यू आएगी? 0। 0/5 की क्या वैल्यू आएगी? 0। 0/10 की क्या वैल्यू आएगी? 0। 0/15 की क्या वैल्यू आएगी? 0। मतलब आप ऐसे समझे कि 0 रुपीज है, 15 लोगों में बांटना है, तो हर आदमी को कितना मिला? 0 मिला। 0 रुपीज है, 10 लोगों में बांटना है, कितना मिला हर आदमी को? 0 मिला। 0 रुपीज है, 5 लोगों में बांटना है, कितना मिला? 0 मिला। 1 रुपया है, एक आदमी में बांटना है, हर एक को कितना मिला? 1। 2 रुपए हैं, दो दो आदमी को बांटना है, हर एक को कितना मिला? 1। 5 रुपए हैं, 5 आदमी में बांटने हैं, हर एक को कितना मिला? 1। 10 रुपए हैं, 10 आदमी में बांटने हैं, हर एक को कितना मिला? 1। अब मान लो 1/0, यानी हमारे पास 1 रुपया है और हमने 0 0 रुपीज बांटे, तो हम कितने लोगों में बांट सकते हैं? तो हम इनफाइनाइट लोगों में बांट सकते हैं। 2 रुपए हो, 0 0 बांटो सबको, तो कितने लोगों में बांट सकते हो? इनफाइनाइट लोगों में। 2 रुपए खत्म नहीं होंगे आपके। 5 रुपए हैं, हर एक को 0 देना है, कितने लोगों में बांट सकते हैं? इनफाइनाइट लोगों में। 10 रुपए हैं, हर एक को 0 देना है, कितने लोगों में बांट सकते हैं? इनफाइनाइट लोगों में। 15 रुपए हैं, हर एक को 0 देना है, कितने लोगों में बांट सकते हैं? इनफाइनाइट में। तो अब देखो, 1/1 वन, 2/2 वन। अब सवाल ये उठता है कि 0/0 क्या होगा? तो अगर हम ये रूल लगाए, 1/1 तो 1 होता है, 2/2 तो 1 होता है, 3/3 तो 1 होता है, 5/5 तो 1 होता है, तो 0/0 भी 1 होना चाहिए। अगर हम ये रूल लगाए, 0/समथिंग इज 0, 0/समथिंग इज 0, तो 0/समथिंग इज 0, तो 0/0 को 0 होना चाहिए। और अगर हम ये रूल लगाए, 1/0 इज इंफिनिटी, 2/0 इज इंफिनिटी, तो समथिंग बाई 0 इज इंफिनिटी, तो समथिंग बाई 0 जो है वो इंफिनिटी होना चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा? तो आंसर यह है कि तीनों में से कोई भी सही नहीं है, और सही आंसर यह है कि 0/0 को लिखते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है ये। ऐसे ही आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी भी डिफाइंड नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो डिफाइंड नहीं है। इंफिनिटी को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो डिफाइंड ही नहीं है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, फिर आगे समझना है। देखो, आगे जब हम समझेंगे तो ये है कहानी। मान लो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, तो इसको हम एफ एक्स बोल देते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4/1-2, सो -3/-1, सो दैट इज 3। 3 आ गई वैल्यू। फिर इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पे चाहिए, 2 नहीं 3 पे चाहिए, चलो तो 3 पे निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4/3-2, सो 5/1, तो 5 आ गई वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 4 पे चाहिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4/4-2, तो दिस इज 16-4, 12, 12/2, 12/2 दैट इज 6, 6 आ गई वैल्यू। तो ऐसे करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बट दिक्कत आती है 2 पे। तो अगर मुझे F2 निकालना हो तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2/2, सो दैट इज 4-4/2-2, सो दैट इज 0/0, सो दैट इज नॉट डिफाइंड। बट एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा कर लेते हैं कि F ऑफ X को हम लिख लेते हैं x-2 × x+2, डिवाइड कर देते हैं x-2 से और ये काट देते हैं, तो fx बन गया हमारा x+2, तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे 2 की, तो ये हो जाएगा 2+2 यानी कि 4, यानी f2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बच्चों सवाल ये उठता है कि कौन सा सही जवाब है।
क्या जवाब ये सही है, एफ टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एफ टू इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, या फिर एफ टू इज इक्वल टू 4। तो आंसर ये है बच्चों, ये वाला सही है और ये गलत है। क्यों ये गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि जब एक्स की वैल्यू, ये सब जगह सही है सिवाय एक्स इज इक्वल टू 2 के, क्योंकि ये काटना उस समय पे गलत हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू 2 होगी, रखेंगे आप इसमें। सिर्फ आप 2 नहीं रख सकते, बाकी आप जो मर्जी रख सकते हो। आप 1 रखोगे तो सही आंसर देगा ये तो, क्योंकि एक्स माइनस, जब एक्स 1 है तो एक्स माइनस 2 0 नहीं है, लेकिन अगर एक्स 2 है तो ये एक्स माइनस 2 0 है, तो इसमें आपने 0 से ऊपर नीचे डिवाइड किया है। तो इसलिए एफ की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे निकालने के लिए अगर आपने ये ऑपरेशन किया है तो ये ऑपरेशन इनवैलिड हो गया। तो कहने का मतलब आप इस मेथड से एक्स की वैल्यू 2 पे नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर एक्स की वैल्यू 2 के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज का मतलब 1.9999999999999 है, तो भी ये वैलिड है। अगर 2.00000000001 है तो भी ये वैलिड है, बस 2 पे वैलिड नहीं है ये। तो कहने का मतलब हम एक्स इक्वल टू 1.9999999999 पे वैल्यू निकाल सकते हैं, 2.00000000001 पे वैल्यू निकाल सकते हैं, पर 2 पे नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम 2 के बेहद क्लोज इसकी वैल्यू ढूंढ लेंगे तो वो इसकी लिमिट कहलाएगी, बस यही है लिमिट। मतलब देखा जाए तो 2 नहीं है, 2 के बहुत बहुत क्लोज है। तो जो चीज क्लोज है और इक्वल नहीं है तो उसके लिए सिंबल बदल जाएगा, तो हम फिर उसमें इक्वल का सिंबल यूज नहीं करेंगे, तो हम उसमें सिंबल यूज करेंगे नियरली इक्वल का, या अप्रोच का, अप्रोचेस टू 2। तो इस फंक्शन की वैल्यू हम 2 पे नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड है, पर हम इस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। इसमें ये इक्वल टू 2 का निशान नहीं है, ये टेंडिंग टू 2 का निशान है। तो बस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, क्योंकि एक्स 2 के क्लोज है, 2 नहीं है, तो ये 0 के क्लोज है, 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो फिर डिवाइड कर सकते हैं, 0 होता तो नहीं कर सकते थे। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2, तो 2 डालेंगे तो ये 4 आएगा, तो 4 इसकी वैल्यू नहीं है। मतलब यह है कि ये फंक्शन 4 की तरफ जाएगा जब एक्स 2 की तरफ जाएगा। तो अगर आप इस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये फंक्शन कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ऐसा सा, यहां पे कट मार दीजिए आप, ये है एक्स इक्वल टू 2। कट का मतलब है कि एक्स इक्वल टू 2 पे ये अनडिफाइंड है, लेकिन एक्स इक्वल टू 1.999 पे इसकी वैल्यू 4 के बहुत क्लोज है। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ठीक है, दिस इज 0। तो जब एक्स की वैल्यू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 है, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है, पर जब एक्स की वैल्यू 2 के बहुत पास है तो इस फंक्शन की वैल्यू 4 के बहुत पास है। तो बस, यानी जब एक्स 2 की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है, बस हमें ये पता चल गया ये जा किधर को रहा है, पहुंचेगा नहीं वहां पे, बस जा किधर रहा है ये पता चलता है। जब एक्स 2 की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन 4 की तरफ जाएगा, पर जब एक्स 2 पे पहुंच जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे ये खाली जगह ये बता रही है। सो आई होप आपको लिमिट क्या है समझ में आ गया। ठीक है, एक और केस दिखाता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सपोज करें कि हमारे पास ये एक सर्कल है और सर्कल में ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, ये सेंटर है सर्कल का। तो एक इंसान ए से चलते चलते बी पे आ गया, तो हमें उसका, और ये एंगल जो है सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड हो रहा है ना, वो मान लो क्या है, वो मान लो 2 थीटा है। तो हमें ये बताना है कि इस इंसान का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। ठीक है जी, सो वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्टेंस, टू फाइंड द रेशियो ऑफ
डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, वट एवर, मतलब ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस तो ये आर के बी हुआ ना, तो डिस्टेंस इज आर्क ए बी, आर्क ए बी। अब आर्क का फॉर्मूला होता है एंगल इनटू रेडियस, तो एंगल इज टू थीटा, रेडियस मान लेते हैं आर, सो दिस इज टू थीटा आर। आर इस सर्कल की रेडियस है, मान लो कि रेडियस है ये। अब हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, ओ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यहां पे, तो पूरा एंगल टू थीटा था, तो ये थीटा बचेगा, ये थीटा बचेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, कि अगर आप वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर करो तो वो बेस पे परपेंडिकुलर भी होता है, और जाहिर सी बात है कि वो दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगा इसको, ए बी को। तो अगर ये आर है तो ये लेंथ आर कॉस, आर साइन थीटा हो गई, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आती होगी आपको, क्योंकि डी ए बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आर साइन थीटा मतलब डी ए की ऐसी वैल्यू हो कि उसको आर से डिवाइड करने पर साइन थीटा है, तो वो जाहिर सी बात है आर साइन थीटा ही है। मतलब यू नीड टू फाइंड ए नंबर जिसको कि आप अगर आर आर से डिवाइड करो तो साइन थीटा मिले, तो वो कौन सा नंबर होता है, वो आर साइन थीटा होता है। सिमिलरली ये भी आर साइन थीटा आ जाएगा। तो देखा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 2R sin थीटा। अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो था डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से, तो वो 2R sin थीटा का 2 थीटा R से रेशियो हो गया, तो दिस इज sin थीटा बाई थीटा। यहां पे थीटा रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है, एंगल अगर आप रेडियन में ले रहे हो, इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है, एंगल रेडियन में होना चाहिए, तभी तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियन होगा। तो अब देखो बच्चों, अब मैं एक स्पेशल केस लेता हूं, मान लो कि ए जो है और जो बी है वो बहुत पास हो जाए, एकदम पास, इतने पास, इतने पास कि बहुत ही पास। तो सपोज करो कि मैं इन दोनों को बहुत ही पास बना देता हूं, तो अगर मैं इन दोनों को बहुत पास बना दूंगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस। तो अब आप देख रहे हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओवरलैप ही कर गए, यानी ये ऐसे हो गए जैसे अर्थ सरफेस है तो वो गोल बट दिखती फ्लैट है, क्योंकि हम उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। तो अब इसमें मैं लिख रहा हूं कि साइन थीटा अपॉन थीटा की क्या वैल्यू होगी, अभी एंगल थीटा है जो कि बेहद बेहद छोटा हो गया है, तो जब थीटा बहुत छोटा होता जा रहा है तो दैट इज टेंडिंग टू जीरो, यानी कि लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू जीरो। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा जब थीटा बहुत बहुत छोटा होता चला जाएगा, वो रेशियो कितना होता चला जाएगा, तो वो रेशियो वन होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के छोटे हिस्से को देखते हैं वैसे वैसे हमारा फ्लैट दिखेगी, तो फ्लैट दिखेगी तो आर्क तो रहे खत्म ही हो गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, तो आंसर आ गया वन। तो ये एक बहुत अच्छी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम साइन थीटा बाई थीटा की लिमिट निकाल रहे हैं, तो वैसे ही हम टेन थीटा बाई थीटा की लिमिट भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो इज वन, लेकिन लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वन आएगा। तो कॉस थीटा का मतलब होगा इस लंबाई और इस लंबाई का रेशियो, तो ये दोनों तो रेडियस ही हो गई ना बच्चों, जब थीटा जीरो हो रहा है तो रेडियस का रेडियस से रेशियो वन हो गया ना। तो आई होप आप समझ गए। तो ये तीन बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो इज वन, लिमिट टेन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो इज वन, लिमिट कॉस थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो इज वन, कॉस थीटा जो है वो वन हो जाता है। ठीक है, ओके।